आज 12 सितंबर है, स्वर्गीय रामविलास पासवान की पहली आज बरसी मनाई जा रही है। इसको लेकर के तमाम तैयारियां पहले से की जा रही थी। आज कहा जा रहा है कि बड़े बड़े मंत्री आने वाले हैं। चिराग पासवान जो कि जमुई से सांसद हैं, तमाम तैयारियां पहले कर चुके थे, तमाम लोगों को न्योता दिया जा चुका था। आपको बता दें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी हो सकता है इसमें शामिल हो, लेकिन अभी तक उसके तरफ से कोई संदेश नहीं आया है कि वो आएंगे कि नहीं आएंगे। हम आपको अंदर का नज़ारा दिखाएंगे किस तरह से तैयारियां हुई है। गेस्टों जो लोग हैं वो आना जाना उनका शुरू हो गया है, कई लोग हैं अभी से ही आ रहे हैं। आपको बता दें ये कार्यक्रम लगातार दिन भर चलता रहेगा। आपको बता दें कि जिस तरह से चिराग पासवान तैयारी कर रहे थे, कल रात पटना पहुँचे हैं। पटना पहुँचते ही उन्होंने सभी नेताओं से बात किया है, खुद नेताओं के यहाँ जा कर के उनको आमंत्रण पत्र दिया है। आपको बता दें फागू चौहान जो कि बिहार के राज्यपाल हैं, उनको भी उन्होंने बुलाया है इस कार्यक्रम में। साथ ही साथ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, बिहार के जितने भी बड़े और वरिष्ठ नेता हैं जो कि रामविलास पासवान के साथ काम कर चुके हैं, उनको इस बरसी में बुलाया गया है। साथ ही आपको बता दें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इस कार्यक्रम में आने का न्योता दिया गया था, लेकिन व्यस्तता के कारण प्रधानमंत्री मोदी नहीं आ पाएंगे। और साथ ही उन्होंने पत्र भी लिख करके जाहिर किया है कि देश के महान नेता है रामविलास पासवान, जिसके बारे में उन्होंने पत्र में जिक्र किया है। और बीते रात चिराग पासवान से बात की है नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने, और क्या कुछ रहेगा खास हम लगातार आपको बताते रहेंगे। लेकिन आज एक महत्वपूर्ण दिन है, राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो देश के दलितों के पिछड़ों के नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी कहे जाते हैं। और आपको बता दें कि जिस तरह से बीते दिनों से तैयारियां चल रही थी, पहले चिराग पासवान जन आशीर्वाद यात्रा पर निकले थे, उसके बाद फिर अपने पिताजी के जयंती समारोह को लेकर के तमाम तैयारी कर रहे हैं। अब हम आपको गेस्ट दिखा रहे हैं कि किस तरह से लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। तमाम यहाँ पे सुरक्षा के चाक चौबंद किए गए हैं, क्योंकि राज्यपाल का भी आना है। कहा जा रहा है कि राज्यपाल फागू चौहान भी आएंगे। मैं आपको इधर दिखाना चाहूँगा, इधर कंट्रोल रूम बनाया गया है। कंट्रोल रूम से यहाँ पे जितनी भी गाड़ियाँ हैं, जो भी लोग हैं, उनको यहीं से ऑर्डर आदेश दिया जाता है कि कहाँ पे क्या करना है। हम कुछ लोगों से बात कराने की आपकी कोशिश करेंगे, कितनी तैयारियाँ की जा रही है, कौन कौन से लोग आएँगे। और क्या नाम हुआ आपका? विभीषण गहलोत। कहाँ से आए हैं आप? औरंगाबाद। ये बताइए कि कौन कौन लोग आ रहे हैं, आपको कुछ पता है? है कौन कौन लोग आ रहे हैं इस कार्यक्रम में? ये कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष है, और उनके साथ है हमारे प्रधान सचिव औरंगाबाद जी, हमारे साथ है अनिल कुमार कश्यप है। तो कहा जा रहा है कि कई जिलों से लोग आ रहे हैं, पूरे बिहार के लोग आ रहे हैं, पूरे देश भर से कई नेता हैं वो आ रहे हैं, जिनका कि आना जाना शुरू हो गया है। लगातार हम आपको हर अपडेट रामविलास पासवान की जयंती को लेकर के देते रहेंगे। वहीं एक बात करें तो हम जो कि पशुपति पारस का गुट है, वो 8 अक्टूबर को जयंती मनाने का तैयारी कर रही है। वहीं कहा जा रहा है कि आज चिराग पासवान, उनके चाचा पशुपति पारस, दोनों एक साथ दिखेंगे एक मंच पे। बीते दिनों जिस तरह से राजनीतिक घटनाक्रम रहा था, चिराग गुट अलग हो गया, फिर पशुपति पारस गुट अलग हो गया, वहीं साथ ही साथ आज दोनों एक साथ दिखने वाले। ये पहला मंच होगा, पहला ऐसा दिन होगा जबकि चाचा चिराग पासवान के साथ दिखेंगे। दो आपको बता दें कि दो फाड़ हो गई थी पार्टी में, जिसके बाद से लगातार दोनों के बीच मतभेद दिख रहा था। और प्रिंस जो कि चिराग पासवान के चचेरे भाई हैं, वो भी आज हो सकता है अपने भाई के साथ खड़े हों, दिखें रामविलास पासवान की बरखी में। और साथ ही साथ आपको बता दें बीते दिनों पशुपति पारस ने कहा था, जो भी हैं हम आज जिस पद पर भी हैं, हम अपने भाई स्वर्गीय रामविलास पासवान के कारण ही हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की थी पशुपति पारस। और साथ ही साथ उन्होंने कहा था कि अगर मुझे चिराग पासवान इस बरसी में नहीं भी बुलाता, तो मैं फिर भी बरसी में शामिल होने के लिए आता। तो तमाम चीज़ें और तमाम तैयारियां की जा चुकी है, सुरक्षा के चाक चौबंद हैं, कई पुलिस अधिकारी तैनात किए गए हैं, सुरक्षा बल अलर्ट है, राज्यपाल आने वाले हैं, कई मंत्री आने वाले हैं, कई बिहार के वरिष्ठ नेता आने वाले हैं। और ख़ास करके बता दें कि जिस तरह से लालू प्रसाद यादव के पास जाकर के चिराग पासवान ने उनको निमंत्रण दिया था, आमंत्रण दिया था, लालू प्रसाद यादव ने सेहत को लेकर के जो भी उनकी बीमारी है, उनको इलाज चल रहा है दिल्ली में, उन्होंने कहा था कि हम तो नहीं जा सकेंगे लेकिन तेजस्वी यादव जरूर जाएंगे। तो तेजस्वी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आएंगे, रामविलास पासवान की बरखी में शामिल होंगे।
कौन कौन से शख्स होंगे, कौन कौन से नेता होंगे, आपको हम बारी बारी से उनसे रूबरू कराएंगे, बात कराएंगे। देखते रहें द इंडिया टॉप। धन्यवाद।